नमस्कार, मैं तनु शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। दिल्ली में बंद रहे 400 पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप भी नहीं खुले। पड़ोसी राज्य यूपी और हरियाणा में डीजल पेट्रोल सस्ता होने से नाराज दिल्ली के पेट्रोल पंप मालिकों ने आज हड़ताल रखी। इससे दिल्ली के करीब 400 पेट्रोल पंप बंद रहे, सीएनजी पंप भी बंद रखे गए। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि पड़ोसी राज्यों ने वैट घटाकर अपने यहां दरें कम कर दी हैं। यूपी की तुलना में दिल्ली में पेट्रोल करीब 3 रुपये और डीजल 2 रुपये से अधिक महंगा है। व्यावसायिक और घरेलू बिजली दरें एक समान होंगी। जल्दी ही सभी श्रेणियों के लिए बिजली की दर एक समान हो सकती है। ऊर्जा मंत्रालय ने नई टैरिफ नीति में बदलाव का प्रस्ताव किया है। नई नीति के अगले साल 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है। इसके मुताबिक लोड की अधिकतम 5 श्रेणियां होंगी। पहली 2 किलोवाट तक, दूसरी 2 से 5 किलोवाट, तीसरी 5 से 10 किलोवाट, चौथी 10 से 25 किलोवाट और पांचवी 25 किलोवाट से अधिक होगी। सूचना आयोग ने पीएमओ से मांगा मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों का ब्यौरा। केंद्रीय सूचना आयोग ने प्रधानमंत्री कार्यालय से वर्ष 2014 से वर्ष 2017 के बीच केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ मिली भ्रष्टाचार की शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का खुलासा करने का निर्देश दिया है। मुख्य सूचना आयुक्त राधाकृष्ण माथुर ने भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की अर्जी पर यह फैसला सुनाया है। सीआईसी ने विदेश से लाए गए काले धन के बारे में भी जानकारी मांगी है। नेताजी के पोते का बड़ा आरोप, पंडित नेहरू ने आजाद हिंद फौज का किया था विरोध। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते व पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष चंद्र कुमार बोस ने कहा कि कांग्रेस ने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों के इतिहास को मिटाने की कोशिश की और राजवंश तानाशाही को बढ़ा दिया। बोस ने कहा कि 1944 में आजाद हिंद फौज दिल्ली में लाल किले पर तिरंगा फहराना चाहती थी, लेकिन पंडित नेहरू और कांग्रेस नेताओं ने इसका विरोध किया था। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 1 मंत्री सहित 14 विधायकों के काटे टिकट। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 77 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पारंपरिक राजनांदगांव सीट से प्रत्याशी होंगे। वहीं भाजपा ने मंत्री रामशीला साहू समेत 14 विधायकों को इस बार टिकट नहीं दिया है। भाजपा ने जिन उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है उनमें पूर्व आईएएस अधिकारी ओपी चौधरी और जनजातीय नेता रामदयाल उड़के शामिल होंगे। परमाणु संधि से हटने पर रूस ने दी अमेरिकी राष्ट्रपति को चेतावनी। रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आगाह किया है कि परमाणु हथियार समझौते से हटने की उनकी योजना खतरनाक है। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने कहा कि इससे वाशिंगटन को अंतर्राष्ट्रीय निंदा का सामना करना पड़ेगा। आईएनएफ संधि की अवधि अगले 2 साल में खत्म होनी है। 1987 में हुई यह संधि अमेरिका और यूरोप व सुदूर पूर्व में उसके सहयोगियों की सुरक्षा में मदद करती है। सऊदी विदेश मंत्री बोले, खशोगी की हत्या के दोषियों को मिलेगी सजा। सऊदी अरब के विदेश मंत्री अदेल अल जुबेर ने स्वीकार किया है कि पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या बड़ी गलती है। इस पर पर्दा डालते हुए और भी बड़ी गलती की गई है। हम हर एक पहलू को सामने लाएंगे। हम सभी तथ्यों को सामने रखने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। जिन्होंने यह हत्या की है उन्हें दंडित किया जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस ऑपरेशन से पूरी तरह अनजान है। विदेशी निवेशकों का मोह भंग, 3 सप्ताह में निकाले 32,000 करोड़। विदेशी निवेशकों ने इस महीने के पहले 3 सप्ताह में भारतीय पूंजी बाजार से करीब 32,000 करोड़ रुपए की निकासी की। व्यापारिक मोर्चे पर जारी तनाव, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिकी बॉन्ड का प्रतिफल बढ़ना इसकी वजह माना जा रहा है। विदेशी निवेशक इस साल कुछ महीने छोड़कर बाकी समय शुद्ध बिकवाल रहे। एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी में भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक। ओमान की राजधानी मस्कट में आयोजित पुरुष हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का विजय अभियान जारी है। भारत ने जीत की हैट्रिक लगाते हुए एशियाई चैंपियन जापान को 9-0 से हरा दिया। इससे पहले भारत ने जापान को इसी साल इंडोनेशिया में एशियन गेम्स में 8-0 से हराया था, लेकिन गोल्ड मेडल जापान ने जीता था, जबकि भारतीय टीम को ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ा था। मुंबई से 6,000 किलोमीटर दूर लेक कोमो में शादी करेंगे रणबीर और दीपिका। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण 14 या 15 नवंबर को इटली के प्राचीन शहर लेक कोमो में विवाह बंधन में बंध जाएंगे। लेक कोमो करीब 10,000 साल पुराना शहर है। इटली की इस तीसरी सबसे बड़ी लेक का आकार अंग्रेजी के लेटर वाई जैसा है। अपनी नेचुरल ब्यूटी के चलते रोमन काल से ही यह जगह पर्यटकों की पसंदीदा रही है। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहें और सब्सक्राइब करें न्यूज़ लाइव।